यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। What is true love? सच्चा प्रेम क्या है? हकीकत में जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है थोड़ा पता, तो इसका उत्तर देना मेरे लिए आसान है, परंतु आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रू लव जो है ये आत्मा का गुण है, ये मन का नहीं है। जो भौतिक सेंटीमेंट्स हैं उसका लव से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक प्रेम का लेना देना नहीं। इसको शास्त्रों ने बताया है कि जैसे कि सोना और लोहा दोनों धातु हैं। क्या है, दोनों धातु है कि नहीं? होता है मेटल, सोना भी और लोहा भी। तो बताया है इसी तरीके से आसक्ति दो है, एक को बोलते हैं काम और एक को कहते हैं प्रेम। दोनों आसक्तियां हैं, परंतु जो ये भौतिक जगत में जो आप प्रेम की बात करते हो, जो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, इसको बताया गया है ये काम है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा का गुण है और ये सिर्फ भगवान के साथ किया जा सकता है, परम सत्य के साथ किया जाता है। ये आत्मा का गुण है, ये आध्यात्मिक है, और ये एक बार आपको भगवान से हो जाए, कृष्ण से हो जाए, तो ये हर स्थिति में बढ़ता रहता है, ये कम नहीं होता किसी परिस्थिति में भी। शास्त्र इसको डिफाइन करते हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी हो जाए जिसमें कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो बिल्कुल मतलब आपको बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसके अंदर कि नॉर्मली व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करना छोड़ दे, फिर भी वो आसक्ति बढ़ती जाए, उसको प्रेम कहते हैं। अब ऐसा कहां है भौतिक जगत में? माता पिता भी बच्चे को कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं, अगर बच्चा चार चाटे लगा दे रोज सुबह उठकर तो वो माता पिता भी बच्चे को निकाल के बाहर कर देंगे। अगर प्रेम है ना तो हर चार चाटा पाके भी उनका प्रेम बच्चे के प्रति बढ़ता जाएगा, कहेंगे और चार लगा। कौन व्यक्ति ऐसा जो कहेगा? इसीलिए प्रेम जो है ये ट्रू लव ये होता है। ट्रू लव इज बिटवीन द सोल एंड द सुप्रीम। ये सारे जो धर्म है, जो जिस जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सनातन धर्म है, इनमें तीनों में एक ही बात कही गई है कि लव इज बिटवीन द सोल एंड गॉड। आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है उसी में प्रेम कहते हैं। भौतिक जगत में प्रेम नाम की चीज नहीं है, ये काम वासना है। मेरी इच्छा जब तक पूरी हुई जब तक वो मेरा है, जब वो मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देता है तो माता पिता ही कह देते हैं गला क्यों नहीं घोड़ दिया जब पैदा हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है ट्रू लव के चक्कर में पड़िए, ट्रू लव के चक्कर में पड़िए। उस भगवान कृष्ण से अगर प्रेम हो जाए, कृष्ण भगवान इज द गॉड ऑफ लव, ही इज द गॉड ऑफ लव। उन्होंने ये लीला करके ये दिखाई थी, ही इज द ओनली लवर हु शुड बी लव। वही एक प्रेमी है जिनको कि सब आत्माओं को प्रेम करना चाहिए। जैसे कभी लोग नहीं कहते प्रेम के भगवान है, वो सच में। इसीलिए उनसे आप एक बार अपना संबंध स्थापित करके प्रेम करके देखिए, वही ट्रू लव है। बाकी तो मृत्यु पे खत्म हो जाएगा, परंतु ये जो ट्रू लव है ये कभी खत्म ही नहीं होता। भगवान कृष्ण के साथ अगर आपने एक बार प्रेम कर लिया है, कभी आपको छोड़ते नहीं, कभी नहीं, किसी अवस्था में नहीं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, बताइए। तो इसलिए प्रेम का अर्थ समझिए। धातु एक जैसे लगते हैं, भौतिक प्रेम कहते हैं परंतु प्रेम नहीं है, शास्त्र कहते हैं वो लोहा है, काम है। तो ये शास्त्रों का कथन है। बोलते हैं अगर ये ट्रू लव का थोड़ा झलक दिखती है तो वो माता में दिखती है जब बच्चा एक दो महीने तक होता है, उसके बाद वो भी बदल जाता है। उस टाइम वो उसका निस्वार्थ जो करती है उसमें वो ट्रू लव की परछाई सी नजर आती है। उसका मतलब वो सिर्फ एक माता ही अनुभव कर सकती है जब बच्चा होता है, और एक दो महीने तक तो वो माता जब उससे जो आसक्ति करती है, जब उससे वो कुछ नहीं चाहती, उससे उसका कोई चाहना नहीं होता, उसको रात को उठाता भी है तो उससे प्रेम बढ़ता ही है उसका, उसकी आसक्ति बढ़ती है। तो ये बेसिकली एक वो है क्या,
झलक है उस प्रेम की। बच्चे के तन को से आसक्ति बढ़ रही है, परंतु आगे चल के जब बच्चा तंग करने लगता है तो फिर वो आसक्ति कम होने लगा। क्या है तो आस्ते आस्ते फिर जैसे बड़ा होता है वो बातें नहीं मानता, ये नहीं करता, तो फिर परंतु हम एक भक्त के साथ क्या होता है, जो प्रेमी भक्त होता है भगवान उसको किसी स्थिति में भी रखे और फिर भी उसका प्रेम बढ़ता ही रहता है और भगवान का प्रेम भी बढ़ता ही रहता है क्योंकि भगवान अनंत है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि दैट इज ट्रू लव, उसकी चक्कर में पड़िए और देखिए जीवन निहाल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।